हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ न्यू तरीके की धोती सलवार। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने 1.25 मीटर कपड़ा लिया हुआ है और मैंने धोती सलवार की कटिंग के वीडियो पहले अपलोड कर रखा है। उसमें सिर्फ कटिंग है और वो तरीका अलग है काटने का, ये तरीका अलग है। इसमें दो आगे की साइड प्लेटें आएंगी और दो पीछे की साइड। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए से बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस कपड़े को इस तरह से एक बार फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, इसको ऐसे फोल्ड कर लिया है और हम इसको किसी भी कोने से आप इसको उठा के इस तरह से पलट ले, चाहे उस कोने से या फिर इस कोने से, किसी भी एक कोने से। तो मैं इसको इस कोने से ऐसे पकड़ रही हूँ और इसको इस तरह से अच्छे से हम इसको एक बार और ऐसे बिछा लेंगे। मैं बिछा के आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने इसको इस तरह से एक बार और अच्छे से बिछा लिया है और अब हम इसकी लंबाई रखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लंबाई रखेंगे। तो मुझे 38 इंच तैयार चाहिए, 38.5 इंच। तो फिर ये 34 इंच है इसकी लंबाई, इसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन है और 34 इंच यहीं से हम उल्टी टेप को ऐसे घुमा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए, आप पहले से मार्क करा हुआ है, देखिए यहाँ से 34 इंच पे मैंने यहाँ पे एक और मार्क करा हुआ है। देखिए ऐसा 34 इंच हम यहाँ पे रख लेंगे इस तरह से। और फ्रेंड, उसके बाद में मैं इसमें आसन रखूंगी। तो आसन की लंबाई मैं यहाँ पे 8 ले रही हूँ इस तरीके से। देखिए हमारा यहाँ 8 आ रहा है, मैंने पहले से निशान लगाया हुआ है। और इसकी चौड़ाई है 2 इंच, देखिए 2 इंच चौड़ाई को ऐसे मैंने 8 इंच लंबाई रख के और इस तरह से गोलाई दे दिया है। और हमें इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में एक मार्क यहाँ पे करा हुआ है। हमें इसके और इसके बीच में जितना कपड़ा बचता है इसको हाफ हाफ करना है। तो हाफ हाफ मेरा यहाँ पे आया है 13 और इस साइड भी 13 आए हैं। देखिए ये भी 13 है। तो इसका हाफ मैंने इस तरह से करा हुआ है। अब मुझे इस पे इसी तरह से मार्क कर लेना है यहाँ पे रख के और इस तरह से इस पॉइंट को हमें ऐसे मिला देंगे। वैसे पहले मैंने धोती सलवार की कटिंग डाल रखी है, उसका तरीका अलग था, इसका तरीका अलग है। और फ्रेंड, मैं इसको कोने वाली बना रही हूँ। तो ये 1.25 मीटर कपड़ा ले रखा है मैंने, आप देखिए तरफ से निशान लगा लें। और उसके बाद में इसको ऐसे सीधा है यहाँ से और इसको ऐसे हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप कोने वाली नहीं बना रहे हैं तो अब यहाँ पे मोहरी बनानी पड़ेगी आपको। आप मोहरी वाले बना रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पे जितनी आपको मोहरी रखना है उस हिसाब से यहाँ पे ऐसे निशान लगा लें। यहाँ ऐसे पहले ये देख लें कि आपको कितना रखना है, 6 ज्यादा ज्यादा 7, इससे ज्यादा नहीं रखें आप। तो यहाँ पे ऐसे 6 पे निशान लगा के इस तरह से ऐसे मिला लें इस साइड को भी। और थोड़ा सा आप इसको कोने को इस साइड को जाने दें, अगर आप इससे सीधा रखेंगे तो टेढ़ा कट जाएगा या कटते समय कपड़ा खराब हो जाएगा। तो इस तरह से आप निशान लगाएं। मैं दो तरीका आपको बता देती हूँ, एक कोने वाला, मैं तो कोने वाला ही रखूंगी आपके लिए बता देती हूँ। अगर आपको कोने वाली नहीं बनानी है, आपको पोंछे वाली बनानी है, तो आपको यहाँ से कटिंग करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको 2 मीटर कपड़ा चाहिए होगा। तो इसको इस तरह से करके इस तरह से ऐसे
यहाँ से काटे और उसके बाद में इसको इस तरह का से ऐसे और फिर ऐसे कट कर दें। तो फ्रेंड्स मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड इसको हम यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे। और फिर इसको यहाँ से यहाँ पे एक तो खुला हुआ है और एक बंद है, तो बंद वाले को भी हम इस तरह से ऐसे काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा कपड़ा कट चुका है और मैं आपको खोल के आपको दिखाती हूँ। देखिए ये कुछ इस शेप में आएगा तरह से। अब मैं इसकी बेल्ट निकालना बताती हूँ आपको कि बेल्ट कैसे निकालेंगे। ये पूरा लुक इसका इस तरह से है, ये आसन हो गया और इस साइड का आसन हो गया और यहाँ पे प्लेटें आएंगी यहाँ पे और यहाँ पे दो साइड आगे और दो साइड पीछे। मैं इसको रख लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स बेल्ट के लिए मैंने कपड़ा ये फोल्ड कर लिया है। चौड़ाई ये कमर मैं 44 है, ये 44 है, 22 रख रही हूँ। तब मैं 22 को अगर हम एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये आगे का पीछे का 22 गुना 44 होगा। तो ऐसे में मैं 22 इंच रख रही हूँ और इसकी लंबाई मैं 8 इंच रखूंगी। अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। हमें 29 इंच तैयार चाहिए तो मैंने उसमें 34 इंच काटा है और फिर इसमें मैं 8 इंच रख रही हूँ। तो ये सिल के 29 इंच तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया, यहाँ पे 8 इंच पे मार्क कर लिया और इस मार्क को ऐसे मिला लेंगे आपस में तरह से। देखिए फ्रेंड्स मैंने निशान लगा लिया है इस पे। अब हम इसको इस तरह तरीके से ऐसे यहाँ और ऐसे कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स धोती सलवार बनाने के लिए आपको आर्जदार कपड़ा चाहिए। जैसे कि जितनी लंबाई हो उतनी चौड़ाई भी होनी चाहिए तभी अच्छे से बनता है। आप बिना आर्ज वाला कपड़ा हिम्मत बनाए वरना घेरा नहीं आएगा बिल्कुल भी। इसके लिए आपको आर्ज वाला ही कपड़ा चाहिए होगा। तो मेरी बेल्ट कट के रेडी हो चुकी है देखिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो और इसका सिलाई का वीडियो मैं बहुत जल्दी ही डालूंगी, आप उसको देखना। और अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।